बीजेपी की मनमानी पर नेताजी का ठनका माथा। सपा उम्मीदवारों के नामांकन न होने पर जताई नाराजगी। बीजेपी की करतूत पर नेताजी को आया गुस्सा। नेताजी ने मजबूत रणनीति बनाने का दिया आदेश। प्रदेश में लोकतंत्र का खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनावों में जो हालात दिख रहे हैं वो साफ बताते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग जमकर किया जा रहा है। सत्ता के बल पर लोकतंत्र को ताक पर रखकर कुर्सी को हथियाने का काम किया जा रहा है और विपक्ष के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में सपा के उम्मीदवारों के नामांकन तक न कर पाने की स्थिति पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की नाराजगी देखने को मिली है। सूत्रों की माने तो नेताजी ने मामले पर सख्त आदेश देते हुए अब पुख्ता रणनीति बनाने की बात कही है। साथ ही सपा के लापरवाह नेताओं के खिलाफ भी एक्शन का आदेश दिया है। आपको बता दें कि जिन जिलों में सपा के जीतने के पूरे आसार थे वहां भी बीजेपी ने निर्विरोध उम्मीदवारों का चयन करवाने की कोशिश की है। साथ ही ज्यादातर जिलों में सपा के उम्मीदवारों को नामांकन तक नहीं करने दिया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और खबरों को देखने के बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का माथा ठनका है। सूत्रों की माने तो जो हालात देखने को मिल रहे हैं उन पर चिंता जताते हुए नेताजी ने प्रदेश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की बात कही। साथ ही कहा कि सियासी इतिहास में इस तरह की मनमानी किसी भी पार्टी ने सत्ता में रहते नहीं की, जिस तरीके की मनमानी मौजूदा वक्त में बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है। नेताजी के आदेश के बाद जहां पार्टी में लापरवाह नेताओं को लगातार चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है, वहीं बीजेपी के खिलाफ और पुख्ता तरीके से रणनीति बनाने का काम किया जा रहा है। देखना यह है कि सपा किस रणनीति के तहत बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलती है और कैसे सपा बीजेपी की बखिया उधेड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।